कल रात से मार्केट पे किसी का नजर लग गया है। सही में कैसे हो सकता है ये? बिटकॉइन इथेरियम रेस्पेक्टिवली 3-4% अप, बाकी और जितना सारा मेजर क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बाइनेंस ओवर 6% अप। ऐसे बहुत सारे करेंसीज, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जो कि आसमान फाड़ रहा है, क्योंकि इस साइड पे इंडिया का आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चला गया है। क्योंकि स्टिल अकॉर्डिंग टू ऑन चेन डेटा वाजीरेक्स का जो ट्रैफिक 70 मिलियन हुआ करता था, आज के डेट में अकॉर्डिंग टू दिस 5th of April वाजीरेक्स का 70 मिलियन का ट्रैफिक 40 मिलियन पे आके रुका है, मतलब 45% डाउन। कॉइन डीसीएक्स का 19 मिलियन का 12 मिलियन पे आके रुका है। जैप पे ये सब 30% टैक्स 1% टीडीएस है, इसके चक्कर में जैप पे अपना इंडिया छोड़ चुका है, जिसका 15 मिलियन फुटफॉल, 15 मिलियन ट्रैफिक 4.4 मिलियन पे आके रुका है। और बिट बीएनएस ये कुछ दिन पहले ही मार्केट पे आया है, इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। बिट बीएनएस का 11 मिलियन का जो ट्रैफिक है वो कम होके 9.9 मिलियन। ऐसे बोल सकते हैं कि परसेंटेज वाइज बिट बीएनएस जो एक्सचेंज है उसका जो ट्रैफिक है उसका मेंटेन्ड है, अदरवाइज जितना भी मेजर क्रिप्टो करेंसी से सब कुछ एवरेज 50% से भी ज्यादा नीचे है। मतलब क्वेश्चन इसका मार्केट ऐसे ही ऊपर जाते रहेगा एंड जो लोग मार्केट छोड़ चुके हैं वो लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, साथ ही साथ एक तगड़ा वाला न्यूज है, एक तगड़ा वाला फंडामेंटल्स भी है जिसके चलते एटलीस्ट वी कैन प्रेडिक्ट आने वाले 24-48 आवर्स तक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा और भी ज्यादा ऊपर जाएगा बिफोर इट स्टार्ट्स पुलिंग डाउन वंस अगेन। पुलिंग डाउन मतलब ये ऐसा नहीं कि जीरो पे आ जाएगा, जो करेक्शन लेवल होता है उसके बात कर रहा हूँ। सो टेक योर डिसीजन, रिकंसिडर इट, अदरवाइज बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो लेट्स बिगिन। Now let's start with the strong fundamentals. The Coinbase, world ka second largest cryptocurrency exchange, Coinbase ye sochta hai ki India is a magical place and I believe crypto has a big future here. Matlab apna India pe. We are excited to help build the future and this event is an important step. तो कौन सा इवेंट का बात कर रहे हैं ये लोग? अप्रैल में कॉइनबेस बेंगलुरु पे एक ओपन पिच डे का ऑर्गेनाइज किया है, जिसपे कॉइनबेस ये प्लान किया है कि इंडिया पे $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा ऑन वेव 3 प्रोजेक्ट्स। सो फार 44% प्रोजेक्ट, इंडिया का जितना भी वेव 3 प्रोजेक्ट है वो 44% प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट ऑन पॉलीगॉन, मतलब अपना मैटिक पे, 11% ऑन इथेरियम, अदर 11% ऑन सोलाना एंड 5% प्रोजेक्ट्स आर मल्टी चेन, मतलब 2-3 चेन का एक साथ आइदर इथेरियम पॉलीगॉन और सोलाना पॉलीगॉन ऐसे करके बिल्ट हुआ है। सो दैट इज व्हाई कॉइनबेस थिंक्स के इंडिया पे जो टेक्निकल ब्रेन है, क्योंकि सबको पता है जितना भी टेक्निकल कंपनीज है, जितना भी टेक्निकल जायंट्स है, चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कुछ भी उठा लो, सबका CEO कौन है? इंडियन ब्लड, जो कि बाहर जाके बाहर के कंट्री का GDP ग्रो कर रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट का ये जो एक प्लान है, जैसे कि इंटरनेट का जो रेस था उसमें भी पीछे रह गया था, जबकि इंडिया का इतना ज्यादा टैलेंट है IT पे, उसके बाद भी इंडिया पीछे रह गया है पूरा दुनिया पे। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग विथ दिस ब्लॉकचेन, सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस वेव 3 सिस्टम। सो क्लियरली गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट का भक्त कम हो जाए, क्योंकि इंडिया का आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी टैलेंट है इंडिया में वो बाहर नहीं ढूंढा जा सकता है। बस कॉइनबेस ही नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए इंडिया पे टू हेल्प इंडिया टू ग्रो इन दिस ब्लॉकचेन सिस्टम। लास्ट डे FTX का जो बिलियनियर 30 ईयर्स बिलियनियर CEO है, उसने भी इंडिया के ऊपर दाव लगाया है कि इंडिया पे वो सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि they all can smell के इंडिया का टैलेंट इज यूनिक, इंडिया का टैलेंट बाहर नहीं मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से जब इंडिया का टैलेंट को हेल्प नहीं मिलता है तब यही लोग बाहर जाके बाहर के कंट्री को ग्रेट बनाता है। दैट इज व्हाई ऑल दोज बिग इन्वेस्टर्स, ऑल दोज बिग ब्रेन्स, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू इंडियन GDP, बट क्या करे हम लोगों का गवर्नमेंट। सो ये बेंगलुरु पे होने वाला है ये प्रोजेक्ट, बेंगलुरु पे ये ओपन डिस्कशन होने वाला है अप्रैल पे, बट आई बिलीव हर एक मेट्रो सिटी पे
में मैं रह चुका हूँ, बैंगलोर का जो कैपेसिटी है वो 95% फुल हो चुका है। चेन्नई, हैदराबाद ऑलमोस्ट फुल, हैदराबाद में अभी भी थोड़ा बहुत खाली है, लेकिन कोलकाता का जो चांसेस है आईटी इंडस्ट्री में बूम करने का, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इट्स बीन लास्ट वन ईयर, आई बिलीव कि आने वाला 5 to 6 months तक कोलकाता विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट जायंट आफ्टर बेंगलुरु एंड हैदराबाद। एंड फ्रॉम द अदर साइड सीतारमन पे भी एक IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का एक प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है कि यू कांट मेक योर ओन रूल्स व्हेन द मैटर इज अ ग्लोबल मैटर। तो ये वाला लाइन के ऊपर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडियन बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिस्कशन आ चुका है कि ये वाला 30% टैक्स एंड 1% TDS रिकंसिडरेबल है, ये अभी तक फिक्स्ड नहीं है, ये बस एक रफ हुआ है। अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली दे विल एंड दे हैव टू चेंज देयर डिसीजंस। सो नाउ बैक टू टेक्निकल कि कल रात को कैसे हो गया था कि बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे मेजर क्रिप्टो करेंसीज अच्छे खासा बम्प्स बैक किया है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो बिटकॉइन का जो सो फार एक साइडवेज मूवमेंट था आफ्टर 31st of March, उसके बाद बिटकॉइन का जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, दिस इज द सप्लाई जोन एंड दिस इज द डिमांड जोन, तो फाइनली आफ्टर 3 to 4 days बिटकॉइन अपना डिमांड जोन पे टच किया था। एंड जैसे ही ये डिमांड जोन पे टच किया है, मतलब इधर बहुत सारे बाई ऑर्डर्स ऑलरेडी वेट कर रहा था, तो दैट इज व्हाई यू कैन सी अ बिग पिन एंड उसके बाद से अ कंटिन्यूअस 4 to 5% अपवर्ड मूवमेंट। नाउ फाइनली बिटकॉइन का जो रैली है वो ये सप्लाई लेवल पे आके थोड़ा सा रुक चुका है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट 24 आवर्स तक अबव 46,300 के ऊपर अगर स्टे कर जाए, देन डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 36 आवर्स हम लोगों को फिर से एक रैली मिलेगा। So that's it from my side, guys. I hope you have enjoyed this video. You have gained some intel out of this video, ताकि आप लोग अपना जो journey है उसको maintain या फिर continue या फिर reform कर पाओ. Anyways, like this video, subscribe this channel and share this video with your friends and family. And at the same time, be a part of our Twitter and Telegram handle, जहाँ पे we post every news on time live. साथ ही साथ technical analysis. That's it from my side, guys. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Everything will be fine. Dev signing off.